हेलो एवरीबॉडी, आज हम लेके आए हैं आप लोगों के लिए इंग्लिश की वीडियो फ्रॉम एविटी एंड वी अंडरस्टैंड विद हाउ द सर्कमस्टेंसेज आर. आप लोगों के स्कूल 31 मार्च तक बंद है एंड हम समझ रहे हैं इस काइंड ऑफ सिचुएशन में आप लोगों के मन में कैसे चल रहा होगा. हम नेक्स्ट सेशन की प्रेपरेशन कैसे करें, कहीं स्कूल तेज ना बढ़ाए, हम घर पे पढ़ के क्या करें, हम बोर हो रहे हैं, हम बाहर नहीं जा सकते. तो हम आपके लिए लेके आए हैं बहुत अच्छा प्लानिंग एंड दिस वीडियो विल हेल्प यू हाउ टू प्लान योर कोर्स प्रॉपरली एंड यू विल just realize that English is such a beautiful subject and हमको इसको भी equally importance देनी चाहिए and these days जो आप पे छुट्टियाँ हैं this is an advantage for you, make best use of it. So let's begin. आप लोगों के पास दो books हैं, one will be your main literature reader and second will be your supplementary reader. Your supplementary reader is called Footprints Without Feet and then your main textbook is called First Flight. Now your First Flight has 11 chapters. What I would suggest to begin with the first chapter. The first chapter is called A Letter to God. It's a 4 or 5 pages ka read. It is very simple and you can understand it. Now the main mistake that we make in English is we do not understand word meanings and hum uske basis pe hamesha apne question answers may be confused ho jate hain ya chapter ko samajhne mein bhi problem करता है क्योंकि हमको एक पर्टिकुलर वर्ड का मीनिंग नहीं मालूम. तो आई वुड सजेस्ट कि आप ई डिक्शनरी या फिजिकल फॉर्म में डिक्शनरी अपने पास रखें एंड जो जो वर्ड्स आपको नहीं समझ में आते उसके मीनिंग लिख लो साइड बाय साइड. नाउ इसका रीजन क्या है, एक बार ही आपने एक वर्ड का मीनिंग लिख लिया तो आप वो वर्ड कभी नहीं भूलोगे. तो एग्जाम में आपको लगता है ओ ये कौन सा वर्ड है, इसका क्या मीनिंग है, मैंने ओवरलुक कर दिया होगा क्योंकि मुझे बाकी सब समझ में आ रहा है, तब आपको मेन प्रॉब्लम होती है इंग्लिश में क्वेश्चन एंड आंसर्स करने में भी. बट अगर आप मीनिंग लिख चुके होगे, आप अच्छे से कर चुके होगे, तो आप ऑलरेडी वो वर्ड कभी नहीं भूलोगे. प्लस इट्स एन एडेड वोकैबुलरी एंड इसको इंटरेस्ट से पढ़ो. दीज चैप्टर्स आर वेरी सिंपल, वेरी इंटरेस्टिंग. नाउ वंस यू आर डन विद योर थरो रीडिंग विद योर मीनिंग्स इन एवरीथिंग, आई वुड सजेस्ट गो टू योर एक्सरसाइजेस एंड डू द क्वेश्चन एंड आंसर्स. नाउ बिफोर दिस आई नो आप लोगों के माइंड में क्या क्वेश्चन चल रहा होगा कि हम जिनके पास बुक्स नहीं है स्पेशली हम कैसे पढ़े, हमारे पास बुक्स नहीं है, अब सब कुछ बंद है. ऑनलाइन एनसीईआरटी ने पूरी की पूरी बुक दी हुई है, आप चैप्टर्स का डाउनलोड ले सकते हैं, एक्सरसाइज भी गिवन है, एवरीथिंग इज मैंशनड ऑन द वेबसाइट. एनसीईआरटी की डाउनलोड हर जगह अवेलेबल है, मल्टीपल वेबसाइट्स पे. सो दिस इज नॉट डिफिकल्ट कि आपके पास बुक नहीं है, आप फिर भी कर सकते हैं. नाउ फिर मैं चलूंगी चैप्टर नंबर 3 पे, दैट इज 2 स्टोरीज अबाउट फ्लाइंग. आप चैप्टर नंबर 3 करेंगे ना, देयर इज अ रीजन मैंने चैप्टर नंबर 2 स्किप करा, दैट इज नेल्सन मंडेला. नेल्सन मंडेला इज अ वेरी बोरिंग चैप्टर एंड अंडरस्टैंड कि आपका धीरे धीरे इंटरेस्ट पड़ रहा है अगर आपको रीडिंग की हैबिट नहीं है स्पेशली, इसलिए मैं आपको बोल रही हूँ चैप्टर नंबर 3 करे फिर गो टू नेल्सन मंडेला. तब तक आपकी रीडिंग की भी हैबिट हो जाएगी एंड यू विल गेट यूज टू. अगेन यू विल डू द सेम थिंग इन एवरी चैप्टर, यू विल डू द क्वेश्चन एंड आंसर्स. जो क्वेश्चन एंड आंसर्स आप नहीं कर पाए आप उनको टिक कर दो, गो बैक डू अ सेकंड रीडिंग, कम बैक एंड डू द क्वेश्चन एंड आंसर्स. तो पहली बारी में आप क्वेश्चन एंड आंसर्स अपनी रीडिंग के बेसिस पे करेंगे, जितना आपको पहली रीडिंग में समझ में आया डिक्शनरी हैंडी रखेंगे, दैट्स इट, यू विल डू ग्रेट. नाउ बिफोर आई मूव ऑन टू योर सप्लीमेंट्री रीडर, दैट इज योर सेकेंड बुक, आई वुड सजेस्ट कि पोइट्री बिल्कुल मत टच करो. पोइट्री रिक्वायर्स यू टू नो राइम स्कीम्स, एलिटरेशंस, मेटाफर, अ लॉट ऑफ दीज थिंग्स विच आई वुड सजेस्ट कि जब स्कूल में चल रहा हो तब अटेंशन पे करो. बट लिटरेचर के जो चैप्टर्स हैं वो आप सफिशेंटली खुद कर सकते हो. और इंग्लिश एक ऐसा चैप्टर है जब मैथ साइंस एस एस टी होता है, वी टेक इट सो लीनियंटली, दिस इज द टाइम टू यू नो होल्ड गेट होल्ड ऑफ द सब्जेक्ट and do great in it. Now moving to your supplementary reading, I will again suggest कि आप same way करो, dictionary लेके रखो हाथ में, first reading के बाद question and answers करो, जो नहीं आती दोबारा reading करो, then do the question and answers. जिस वे जब school में ये chapters चल रहे होंगे आप already कर चुके होंगे, when you'll come back and do your homework you can do other subjects or your pace will be really fast in these chapters. And again I would suggest just do the first 3 chapters in your supplementary read as well. That is A Triumph of Surgery, The Thief's Story and The Midnight Visitor. That's it. आपको और कुछ करने की जरूरत नहीं है. So in total मैंने आपको बोला सिर्फ 6 chapters करने के लिए. And अगर आप ये 6 chapters कर लेते हैं, believe me आप बहुत ज़्यादा hold रख लेंगे इस subject में. So that's what we have for you for today till 31st March. अगर अभी आप ये 6 chapters कर लेते हैं तो आगे जाके आपको बहुत advantage मिलेगा. So I hope you like this video. And if you do like this video, don't forget to subscribe this channel and also like this video, and thank you for watching.